नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड आप लोगों के लिए काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से काव्या को बचाने के लिए ऋषभ, अर्जुन और प्रीता की जो कोशिश है वो वाकई में पूरी तरीका से सफल होती हुई नजर आने वाली है। क्योंकि जहां पर लूथरा परिवार में इस समय मातम था और वाकई में लूथरा परिवार को लग रहा था कि ये गुंडा यानी राजा ये मार सकता है काव्या को, लेकिन दोस्तों आखिरकार में जीत बहुत शानदार तरीका से होती है। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि लूथरा परिवार में सभी को ही काव्या में जान बसती है और अर्जुन ने बोल दिया था कि अगर काव्या को कुछ हुआ तो राजा मैं तुझे साथ के साथ ही खत्म कर दूंगा, लेकिन मैं तुझसे अनुरोध करूंगा कि तू प्लीज काव्या को छोड़ दे, चाहे इसमें बदले में मेरी जान ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, तू जितना पैसा चाहेगा मैं इतना पैसा दे देता हूँ, मैं तेरे दर पर जो कि नाक रगड़ रहा हूँ, लेकिन तू कुछ भी कर पर मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि कितना बेचैन होता हुआ नजर आ रहा है अर्जुन, और अर्जुन को जब से ये पता चला है कि काव्या मेरा खून है, मेरी बेटी है, तब से वाकई में अर्जुन कुछ भी कर सकता है अपनी बेटी के लिए। वहीं पे ही दोस्तों प्रीता को ये लग रहा है कि ये जो गुंडा है ये अर्जुन का है और ये सब कुछ अर्जुन की वजह से हो रहा है। दोस्तों वहीं पे ही लूथरा परिवार हालांकि इस समय अर्जुन को पूरा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई में अर्जुन काव्या के लिए कितना एफर्ट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पे ही दोस्तों सैलन भी अब उस गुंडे के आगे बोलती हुई नजर आने वाली है कि प्लीज काव्या को कुछ मत करना, चाहे बदले में अगर तुम कोई शर्त है तो मैं आपकी शर्त रख सकती हूँ सरकार के आगे, लेकिन काव्या को कुछ मत करना। क्योंकि दोस्तों अच्छे होने की बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग करती हुई नजर आ रही है सैलन, और सैलन का मेन मोटिव भी यही है कि किसी भी तरीका से परिवार के आगे ऐसी पेश आऊं कि परिवार में एक मेरी अच्छी खासी एक नई छवि बन जाए। लेकिन दोस्तों करनी तो भगवान की है, होता वही है। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये भी बता देता हूँ कि काव्या बच जाएगी, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।